हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSEB बोर्ड ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान के चैप्टर 3, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीव जनन कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में जितना भी जीव जनन से आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका इस वीडियो में सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक 1, 2 अगर आप चैप्टर नहीं देखे हुए हैं तो जाइए, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बायोलॉजी के चैप्टर 1 और 2 का, सारा ऑब्जेक्टिव बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। देखिए, ये 2016 के फर्स्ट टर्म एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो पहला का आपका राइट आंसर बताते हैं। देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा पहला का ऑप्शन नंबर 2। क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, ये बोनस क्वेश्चन था आपके लिए, आंसर इसमें दिखा दे रहे हैं। देखिए, चलिए दो नंबर, तो दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये देखिए, 2016 के सेकंड टर्म 18 में 21 लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंडाशय, गर्भाशय, शकवाहिका और डिम्ब है दोस्तों, डिम्बवाहिनी। तो दोस्तों, दो नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, तीन नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक संगलन को कहते हैं। 2015 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है किण्वन, बी में बौनापन और सी में दोस्तों मधुमेह और डी में क्या है, कोई नहीं। तो तीन नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा दोस्तों, तीन नंबर का ऑप्शन नंबर 2, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन। चार नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। देखिए ये कितना स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। पहला ऑप्शन दिया है सरसों, गुड़हल और सी में है दोस्तों पपीता और डी में क्या है, मटर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। चलिए आपको पांच नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, पांच नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया और डी में क्या है, पैरामीशियम। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो चार ऑप्शन आपको दिखा दिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पांच नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा, ईस्ट में। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिए, लाइक करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए देखो छह नंबर क्वेश्चन मिलाते हैं। छह नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, फूलों यानी पुष्प, ठीक है, फूल को पुष्प भी बोलते हैं, नर प्रजनन अंग होता है। देखिए 2013 के 19 के कंपार्टमेंटल और एनुअल दोनों में पूछा हुआ है और 21 में पुंकेसर, अंडप और वर्तिकाग्र और डी में क्या है दोस्तों, वर्तिका। तो छह नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, पुंकेसर। चलिए सात नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो दोस्तों, सात नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, बहुत ही स्टार क्वेश्चन आपसे आपको मिलेगा, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इससे सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछता भी है। तो दोस्तों, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिगमाइनिया में और डी में है दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो इसका राइट आंसर आपको मालूम ही चल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर होगा। द्विखंडन सभी में होता है, पैरामीशियम में, लिसमाइनिया में और अमीबा में, तीनों में। चलिए आगे देखेंगे आठ नंबर क्वेश्चन। देखिए आठ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया यानी परजीवी और डी में क्या है, ईस्ट। मलेरिया परजीवी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो आठ नंबर का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मलेरिया परजीवी। नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है,
ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में काई का प्रवर्धन होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है पत्तिया, बी में जड़, सी में तना और डी में क्या है फूल। डी में क्या है फूल। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों मानव मादा में, ठीक है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। 13 में आया हुआ है, 19 में और 21 में, लगता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए गर्भाशय में, और बी में है दोस्तों अंडाशय में, और सी में योनि में, और डी में क्या है दोस्तों फैलोपियन नालिका में। तो 10 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ना, 10 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? फाइलोपियन नालिका में। चलिए आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। इस तरह का वीडियो लाने के लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, तने द्वारा काई का प्रवर्धन होता है। तने द्वारा काई का प्रवर्धन होता है पुदीने में, बी में है दोस्तों हल्दी में, अदरक में और सभी, यानी कि इन तीनों में, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। 11 का डी राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में और कौवे में, ठीक है, कौवे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, सितारा मछली में। चलिए आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, काई का प्रवर्धन संभव है। क्या? काई का प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपभोक्ता सभी द्वारा, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को स्किप ना करेंगे, तक पूरा देखेंगे तो आपका पूरा जीव विज्ञान, जीव जनन कैसे करते हैं, 3 चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 नंबर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक 2 चैप्टर अभी नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया रहेगा, आप लोग क्लिक कीजिए उस पर, और 2 नंबर भी देख लीजिए और 1st चैप्टर भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का, आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता सभी, ठीक है, उपभोक्ता सभी। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, तने पर अपस्थानिक कलिया पाई जाती है, ठीक है, तने पर अपस्थानिक कलिया पाई जाती है। तो 14 का देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुदीने में, ठीक है, पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, और डी में क्या है दोस्तों इनमें से सभी। तो 14 का आपका जो राइट आंसर होगा ना, 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आलू में। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये देखिए दोबारा आया हुआ है, ठीक है, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, ओडी में क्या है दोस्तों प्लाज्मोडियम में, ठीक है, प्लाज्मोडियम में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा प्रजनन कहाँ होता है दोस्तों, अलैंगिक जनन में नहीं, जनन कहाँ होता है, हाइड्रा में, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, तो हाइड्रा में, आप लोग यह ध्यान में रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से मिलाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, और क्या है दोस्तों डी में, लेशमानिया में। तो ये देखिए 2015 में और 18 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला दिया हुआ है अंडाशय, और बी में है गर्भाशय, और सी में दोस्तों शुक्रवाहिका, और डी में डिम्बवाहिनी। डी में क्या है, डिम्बवाहिनी। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, ओडी में क्या है पराग कण, ठीक है। 12 में, 15 में और 16 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों
18 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी राइट होगा। चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, सी में परागकण और डी में क्या है? मादा युग्मक। ठीक है, 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना, 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, मादा युग्मक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, डी में है दोस्तों खून की कमी, सी में है विटामिन की कमी और डी में क्या है? पोषण की कमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, 20 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? देखिए पीला होता है, हरा होता है, सी में है दोस्तों लाल होता है और डी में है सफेद होता है। तो आपको बताना है पंखुड़ियों का कलर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, हरा होता है। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 18 में और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, पुंग केसर, स्त्री केसर और सी में दोस्तों अंडाशय और डी में क्या है? बीज। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, अंडाशय। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? ठीक है, 18 में और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया हुआ है प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रामिज्म। ठीक है, और बी में है दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन और सी में है जालानुवर्तन यानी कि हाइड्रोट्रापिज्म और डी में है दोस्तों रसायनुवर्तन यानी कि केटोट्रापिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, रसायनुवर्तन यानी कि दिया हुआ है दोस्तों केटोट्रापिज्म। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, भ्रूण को माँ के, ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं? 18 का देखिए दोस्तों कंपार्टमेंटल में आया हुआ है अंडवाहिका और बी में है दोस्तों अंडाशय, सी में है प्लायसेटा और डी में क्या है दोस्तों? इनमें से सभी। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, प्लायसेटो। ठीक है, प्लायसेंटा। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में से कौन पुरुष देव भवन का उदाहरण है? ठीक है, 19 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ए में दिया हाइड्रा और बी में दोस्तों अमीबा, सी में है दोस्तों स्पाइरोगाइरा और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पुंकेसर यानी पुष्प का कौन सा जननांग है? नर है, स्त्री है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ना, 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन और स्टार क्वेश्चन भी है। ठीक है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? ये देखिए 2022 के फर्स्ट टर्म में आया हुआ है, किशोरावस्था, बी में दोस्तों यौन नारंभ और सी में है दोस्तों वृद्धि और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ना आपका, 27 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं,
यौनारंभ का लक्षण यानी कि स्थानों की वृद्धि, और बी में दोस्तों नितंबों का उभरना, और डी में क्या है रज्जु धर्म का प्रारंभ, और डी में दोस्तों ये सभी। ठीक है, सी में दिया है रज्जु धर्म का प्रारंभ, और डी में क्या है ये सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन। तो 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, वृषरण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, और डी में क्या है ये सभी। डी में ये सभी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ना, 29 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन यानी कि सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ये देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दिया है ए में अधिवृषर, बी में है शुक्रवाहिका, सी में है वृषरण, और डी में क्या है शुक्राशय। डी में क्या है शुक्राशय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए हैं वीडियो का, तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को मिलाते हैं। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? पहला दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा जो 31 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में निषेचन की फलस्वरूप बनता है क्या? बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मन नज, और डी में क्या है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आपका राइट आंसर होगा ना, 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, युग्मन नज। चलिए आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, वृषरण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, वृषरण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, बी में है दोस्तों अधिवृषरण में, और सी में है शुक्रवाहिका में, और डी में क्या है मूत्र मार्ग में। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ना, 33 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, अधिवृषरण में। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, टकराना, बी में है दोस्तों क्षमता, और सी में क्या है निकेत, डी में है परिवर्तन। आपका 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर, निकेत। चलिए आगे बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एक लिंगी पुष्पी कहलाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्पी, ये देखिए 2017 का डिपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है, पपीता, सरसों, अड़हुल, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक लिंगी आपका कहलाता है पपीता। ठीक है, उदाहरण है यहाँ पर, अपना पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों एक लिंगी पुष्प। ठीक है, ये थोड़ा बदलाव कर दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे पपीता। ठीक है, ऑप्शन में अगर पपीता दिया होगा तो पपीता ही सिलेक्ट करना है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर दोस्तों क्वेश्चन में हमारा है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ठीक है, ये 17 में पूछा हुआ है, ये देखिए 12 या 18, सी में दिया हुआ है 24, और डी में क्या है 30। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ए में दिया है वृषरण में, बी में गर्भाशय में, और सी में अंडाशय में, और डी में क्या है इनमें से सभी। तो ये भी 2018 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है। 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ये भी देखिए 2000
18 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 38 का आपका जो राइट आंसर होगा ना, 38 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, स्त्री में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, 39 का देखिए 2018 में आया हुआ है। पहला देखिए कायिका प्रवर्धन, बी में दोस्तों बीजाणु समाघन, ठीक है, और सी में दोस्तों मुकुलन, और डी में क्या है विखंडन। इसका राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, क्या होगा मुकुलन। चलिए आगे बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो यानी कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, यह भी देखिए 2018 में पूछा हुआ है। बाह्य दल, पंखुड़ी, सी में पुंकेसर, और डी में क्या है स्त्री केसर। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ना, 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है पुंकेसर। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। मुकुलन विधि का, कायिका विधि का, खंडन विधि का, और डी में है दोस्तों विखंडन विधि का। ठीक है विखंडन विधि का। तो दोस्तों आपका 41 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, कायिका विधि का। चलिए आगे बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलुनुमा और संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, और डी में क्या है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, योनि। चलिए आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, पहला ऑप्शन दिया है भ्रूण को, बी में दिया है दोस्तों गर्भाशय को, और सी में ग्रीवा को, और डी में क्या है दोस्तों शुक्राणु को। ठीक है शुक्राणु को। तो 43 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, भ्रूण को। चलिए आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह या 8 माह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना, 9 माह राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव का या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 10 9 दिन, और 4 से 10 दिन, और डी में क्या है 5 से 11 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, 2 से 8 दिन। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बीज विकसित होता है। ठीक है तो 22 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है परागकोष में, बी में है अंडाशय से, सी में पुंकेसर से, और डी में क्या है बीजांड से। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, बीजांड से। चलिए आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 47 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। ये भी देखिए दोस्तों 2022 के फर्स्ट टर्म एग्जाम आया है, आंत्र स्वर ज्वर, ठीक है, बी में दिया है सुजाक, और सी में एड्स, और डी में बी और सी दोनों। ठीक है तो आपको राइट आंसर इसमें से भी सिलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 47 का ऑप्शन नंबर डी, सी और बी सही होगा। ठीक है बी और सी यानी कि सही है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 हमारा क्वेश्चन हमारे पास है, जनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 1 प्रकार। इसका जो राइट आंसर होगा ना बहुत ही आसान है दोस्तों, जनन 2 प्रकार को होता है। ठीक है चलिए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 आपका क्वेश्चन हमारे पास है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, वृषरण, अधिसरण, शुक्राशय,
और डी में क्या है दोस्तों, शुक्र जनन नलिका। तो 22 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 49 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज राइट आंसर। चलिए आपको 50 क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2022 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फेलोपियन ट्यूब में। इसका 50 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बहुत आसान है, गर्भाशय में। ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन, पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में जो पाए जाते हैं, दल पुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 51 का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, परागकण। अगर दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, और डी में क्या है दोस्तों, पुष्पासन। ठीक है, तो 52 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज राइट आंसर होगा, अंडाशय। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, बी में दोस्तों पराग कोष, और सी में है वर्तिकाग्र, और डी में क्या है, पराग नली। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, पराग कोष। चलिए आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निषेचन की क्रिया। ठीक है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन से मिलाते हैं। देखिए 55 नंबर कितना स्टार क्वेश्चन है, 22 में आपका पूछा हुआ है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विस्कुत विकसित, ठीक है, अंडाशय कहलाता है, बीजांड, बीज, फल, और इनमें से कोई नहीं। तो जो 55 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक हमारे दो वीडियो यानी कि दो चैप्टर नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से दो चैप्टर जरूर देख लीजिए, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का। ये तीन लेसन पढ़ाई हो रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, आपका ये वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्ण विकसित अंडाशय में कहाँ कहलाता है? ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बीजांड में। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में, ठीक है, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, देखिए गोनोरिया, बी में है दोस्तों सिफिलिस, और सी में है मसस्सा, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 19 के ये देखिए सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ना, 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मसस्सा। चलिए आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु है, ठीक है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। ठीक है, तो आपको बताना है क्या होगा। 57 का देखिए आपका राइट आंसर बहुत आसान है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, केचुआ जो है ना उभयलिंग जंतु है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? देखिए जाइगोट, अंडाणु, और सी में शुक्राणु, और डी में क्या है, वीर्य। तो दोस्तों 58 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? जाइगोट इज राइट आंसर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? जाइगोट, ध्यान में रखेंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है 28वें दिन, 14वें दिन,
20वें दिन यानी 30वें दिन। तो जो 59 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ना, 59 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, 14वें दिन। चलिए आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एड्स, ठीक है, बी में है गोनोरिया, सी में है सिफिलिस, और डी में क्या है दोस्तों टाइफाइड, ठीक है टाइफाइड। तो दो 60 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा टाइफाइड इज राइट आंसर, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, और डी में क्या है इनमें से सभी। ये 20 के फर्स्ट टर्म में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 61 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विखंडन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 20 में, 22 में लगातार पूछा हुआ है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो आपका आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए 62 नंबर का क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं 62 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, पुष्प में, ठीक है पुष्प में। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अमीबा, बी में है ईस्ट, और सी में है पैरामीशियम, और डी में क्या है युग्लिना। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ना, 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 3 नंबर चैप्टर क्लियर हो चुका, ठीक है। 3 नंबर में जीव जनन कैसे करते हैं, 64 क्वेश्चन है, कितना है 64 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो आप लोग ये वीडियो को देख लीजिए, इसके लिए शुक्रिया। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, ठीक है, पराग कोष के अंडाशय में, वार्तिका या पत्तिया में, ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 64 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 64 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ए को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, मेरा लाइक टारगेट है 50, ठीक है 50 तक आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों को इस चैनल से जरूर लीजिए जोड़िए, ताकि आप लोग को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सभी विषय से क्लियर हो सके, और एग्जाम 2023 में आप लोग को आसानी हो सके, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। सभी प्रकार का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर जुड़िएगा। चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।